दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 22 फीट बाई 25 फीट हाउस प्लान के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको बता दें दोस्तों, इसमें मैंने दो बेडरूम दिया हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें कितने इंच बाय कितने इंच का आपको कॉलम देना है, यानी आप ग्राउंड फ्लोर बनवा रहे हैं तो उसके लिए कितने इंच बाय कितने इंच का कॉलम देंगे, इसमें कितना सरिया रहेगा। उसके बाद दोस्तों बता दें कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर के बाद अगर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनवा रहे हैं तो उसमें जो है कितने इंच बाय कितने इंच का आपको कॉलम देना है, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। अगर आपने हमारे चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए दोस्तों बताते हैं आपको इस प्लान के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर एंट्री है आपका। जब आप इंटर करेंगे सबसे पहले आपको हॉल पड़ेगा। बता दें ये 12 फीट 6 इंच बाई 5 फीट का है, जो कि यहाँ से यहाँ तक 12 फीट 6 इंच है और यहाँ से यहाँ तक 5 इंच फीट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर इस एरिया में जो स्टेयर दिया हुआ है सोपान, जो कि 8 फीट बाई 5 फीट का है। यहाँ से यहाँ तक बता दें, यहाँ से यहाँ तक जो है 3 फीट का, इसमें जो हमें 3 फीट का लैंडिंग रहेगा, 5 फीट का हमारा स्टेप रहेगा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ दोस्तों अप रहेगा और यहाँ पे आपका डाउन रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे ओपन रखा हुआ है, आप चाहे यहाँ पे डोर लगवा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों तो हमने एक टॉयलेट दिया हुआ है और ये हमारा बाथ भी है। बता दें 4 फीट यहाँ से यहाँ तक रहेगा, 6 फीट यहाँ से यहाँ तक रहेगा हमारा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो हमने डाइनिंग एरिया दिया हुआ है, जो कि 10 फीट 6 इंच बाई 6 फीट का हमारा ये डाइनिंग एरिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने एक यहाँ पे किचन दिया हुआ है। बता दें आपको ये किचन जो है 5 फीट 6 बाई 6 फीट का है, यहाँ से तक 5 फीट और यहाँ से तक 6 फीट रहेगा। दोस्तों बात करते हैं बेडरूम की, तो बेडरूम यहाँ पे एक हमने दिया हुआ है, एक यहाँ बेडरूम दिया हुआ है, जो कि ये हमारा बेडरूम जो है 10 फीट यहाँ से यहाँ तक 11 फीट 6 इंच यहाँ से यहाँ तक रहेगा। उसके बाद ये जो रहेगा ये 10 फीट यहाँ से यहाँ तक 11 फीट 6 इंच यहाँ से यहाँ तक रहेगा। चलिए दोस्तों अब बताते हैं आपको हम कि कॉलम कितने इंच बाई कितने इंच का देना है। दोस्तों जैसे कि अगर आपको कॉलम देना है, आप ग्राउंड फ्लोर बनवा रहे हैं, अगर आप ग्राउंड फ्लोर बनवा रहे हैं तो उसके लिए आप जो है कि 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम दे दीजिएगा, जिसमें आपका जो है 4 सरिया रहेगा। दोस्तों उसके साथ ही साथ अगर आप ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर बनवा रहे हैं या सेकेंड फ्लोर बनवा रहे हैं तो इसके आप दे सकते हैं 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम यहाँ पर आप दे सकते हैं, जिसमें आपका 6 सरिया रहेगा। दोस्तों अब मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि जो सरिया रहेगा ये 12 mm का रहेगा इसमें भी, और इसमें भी जो रहेगा ये 12 mm का रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कॉलम हमने कहाँ कहाँ दिया इस प्लान में। तो पहला कॉलम हमने दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा कॉलम हमने जो है यहाँ पे 9 इंच बाई 9 इंच का दिया हुआ है, तीसरा हमने यहाँ पे दिया हुआ है, चौथा हमने यहाँ पे दिया हुआ है, पाँचवा हमारा ये रहेगा, छठवां कॉलम हमारा यहाँ पे है, ये हमारा सातवां कॉलम, ये हमारा आठवां, ये हमारा नौवां है, ये हमारा दसवां है, ग्यारहवां है और ये 12वां कॉलम हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो है कि विंडो कहाँ कहाँ पर हमने दिया हुआ है, तो विंडो आपको बता दें दोस्तों आप देखेंगे तो जो है विंडो यहाँ पे हमने दिया हुआ है, यहाँ पे विंडो दिया हुआ है, ये हमारा विंडो है, यहाँ पे विंडो है, यहाँ पर हमें वेंटिलेटर दिया हुआ है जो कि हमारे टॉयलेट बाथ में है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक विंडो दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें विंडो दिया हुआ है। डोर आप देख सकते हैं हमने डोर कहाँ कहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। बता दें दोस्तों कि जो 9 इंच का हमारा ये वॉल है, इसके बाद आपका यहाँ से तक पूरा एरिया जो है अंदर से अंदर तक बनवाने के बाद पूरा शेष रहेगा 12 फीट 6 इंच यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 8 फीट के बाद फिर यहाँ से यहाँ तक 9 इंच का वॉल रहेगा। तो ये आपका 9 इंच का वॉल है, ये आपका 9 इंच का, ये भी 9 इंच का, ये भी, और ये अब आपका जो है पार्टीशन, ये आपका 6 इंच का वॉल है।